अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। चलें आज हम आपके ज़बरदस्त सी चिकन की ना एक डिश में बना रही हूँ आपके लिए। बड़ी झटपट सी और बड़ी आसान डिश है, चंगेज़ी, चिकन चंगेज़ी। ये चंगेज़ खाने तो नहीं बनाई हुई। नहीं जी, खैर ये सारे मसाले हैं, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, गर्म मसाला, हल्दी और दही, दही एक छोटी प्याज। इनको सारा दही को आपने ना दही के साथ ना इनको मैरिनेट करके रखते हैं। फिर साथ साथ मैं ज़्यादा से आपको मसाला बनाना बताती हूँ। इनको मैरिनेट करके आपने एक साइड पर रख दें, ठीक है? तो फिर उसके बाद मैंने आपको ना मसाले की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मसाला लग रहा है कि आजकल चिकन चंगेज़ खान के कौन से बना हुए शायद नहीं। आज तो चिकन सस्ता ही, महंगा नहीं। ये सारा हमने ना मसाला दही के साथ लगा के तो चिकन पे लगा दिया, ठीक है? चंगेज़ी को, चिकन चंगेज़ी को मैंने मैरिनेट करके रख दिया। घी ऑयल जो आप यूज़ करते हो ना, ठीक है, एक चम्मच, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने बाद में इसमें ना तड़का लगाना है। तो इसके अंदर ना दो अदद प्याज, ठीक है, और चार अदद टमाटर, ये मैंने ना मोटे मोटे से काट के ना, आप क्या सोच रहे होंगे चंगेज़ी, चिकन चंगेज़ी में इतना मोटा, ये ग्राइंड करना है हम लोगों ने। तो ये ज़रा सा इनके चूल्हा जला लिया, बनाई शुरू करते हैं। एक अदद दो अदद लहसुन अदरक और एक छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, ठीक है? हम इन सब चीज़ों को ना गलाना है, तो ये इसका ना साथ ही ना ये आधा कप पानी का, इन चीज़ों को गलाने के लिए, ठीक है? हमने साबुत गरम मसाले में हमने तेज़पात और दालचीनी और लौंग और काली मिर्च एक एक दो दो दाने ना उनके भी ना आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। साबुत गरम बहुत थोड़े से दो चार चीज़ें ऐड इसके अंदर आप कर देंगी ना, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च तो और तेज़पात, ये आपने इसमें ऐड कर दी। तो ये आधा ग्लास पानी डाल के तो आपने इसको ढक दिया ताकि ये गल जाए। फिर मिलते हैं। तो ये देखिए ना टमाटर, आप थोड़ी देर हमने दम में लगाए ना, तो टमाटर भी नरम हो गए, प्याज भी नरम हो गया, ठीक है? इस स्टेज पे ना थोड़ी देर के लिए आप चूल्हा बंद कर दें, तो इसको थोड़ा ठंडा होने दें ताकि मिक्सी में ना हम लोग ना इसको अच्छी तरह ना ग्राइंड कर लें। अब एक चम्मच घी का डाल के ना तो ये चिकन चंगेज़ी जो मैरिनेट की पड़ी है ना आप डाल के ना ये चंगेज़ी साहिबा को आपने ना तो अच्छी तरह इसके ना दही के पानी में इसकी बुनाई करनी है, ठीक है? ये दही के पानी खुशक हो गया, ठीक है? अब देखिए घी निकला है, इसकी बुनाई शुरू हो गई, इसका ये रोस्टेड सा करके ना अब इसके अंदर ना हमने ये प्याज का मसाला जो ऐड करके रखा था ना हमने वो अब ऐड कर रखे इसमें। ये प्याज, ये टमाटर की पूरी और प्याज की पूरी में ना ये चिकन, अब पानी नहीं डालना, चिकन को इसी मसाले में ना गल जाएगा। चिकन की अच्छी तरह बनाई हो गई है और घी भी निकल आया है। इस स्टेज पे आके ना सूखी मेथी आपने ना यहाँ पे ज़रूर डालनी, ठीक है? ये चिकन चंगेज़ी आपके लिए रेडी है। ये देखिए खूबसूरत सी गार्निश कीजिए साथ गरम गरम रोटियाँ, तंदूर से खाना चाहें तंदूर से खा लें, घर में पकाएं जैसे आपका दिल कर रहा है, ठीक है? और तो हमें याद रखा करें, ज़बरदस्त ये चिकन चंगेज़ी की डिश है और बड़ी झटपट बनने वाली है, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।